फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ। चीनी पापा ले आए। थैंक यू बेटा। माना सूरत को मेरी दुनिया ने पहचाना है, पर मेरी सीरत को बस तूने ही तो जाना है। उम्मीदों की डोर मेरी अब जुड़ के तुझसे रहती है। सफर ये तेरे संग कट जाए, जिंदगी ये मुझसे कहती है। बहुत प्यार करते हैं जब तक रहेंगे तुम्हारे हैं हम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। चल रितेश पुत्र, अब सारी पनौतियां खत्म हुई, अब सिर्फ ना खुशियों का टाइम शुरू हो गया है। चल जल्दी से हमारी इंदु पुत्र की मांग भर दे। विवाह संपन्न हुआ। जीनी पापा अब हम आपकी फैमिली बन गए। मुझे लख लख बधाइयाँ हो समन की बेटी के ब्याह की। आपको भी। और आज से आपकी इंदु पुत्र हमारी भी। हम लोग ना विदाई की तैयारी कर लेते हैं। आइए राजेंद्र जी। ठीक है जी। ओए विवान पुत्र इथे आ। ओए ये समीर कहाँ है? पूरी शादी में नजर नहीं आया ये लड़का। अरे यही सवाल तो मैं इससे कब से पूछे जा रहा हूँ। दीप चाचू, डोली चाची, मैं समीर को कब से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। और आप उसे छोड़िए ना, उसे शादी में वैसे भी कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। आप मेरे साथ चलिए, हमें दोनों फैमिली का एक जॉइंट फोटो निकालना है। आइए आइए आइए। चलो चलो। हाय हाय, बधाई हो बधाई। तुम तीनों को किसी की नजर ना लगे। चलो अब निकालो मेरी बधाई। क्यों बहन? लो खुश रहो। जीता रहो बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। तेरी शादी एक अच्छे घर में हो, ये सपना देख देख कर मैं पागल हो रही थी। और देख, शंकराचार्य जी ने मेरा ये सपना भी पूरा कर दिया। अब शंकराचार्य जी से यही प्रार्थना करूंगी कि तेरी और ज़ून की नई जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रखे। ग्लिसरीन की पूरी बोतल लगा ली है क्या? इतना क्यों रो रही हो? मुझसे शादी हो गई इसीलिए या घर से विदाई हो गई इसलिए? मुझे लगता है दोनों ही नहीं। तो फिर वो कहना ज़ून हमारी फिल्मों वाली शादी हुई है और फिल्मों में विदाई पे हीरोइन रोती है, इसलिए आपकी मौज भी रो रही है। और अपनी मौज से कहो कि आज ही हमारी शादी हुई है, आज झगड़ा ना करें तो बेटर होगा। मौज, क्या हुआ? आप यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? यही सोच रही थी कि देखते ही देखते इंदु की शादी भी हो गई और विदाई भी। हाँ मौज, पिछले कुछ दिनों से इंदु दी ने कितना कुछ सहा है ना, अब फाइनली रितेश जीजू, ज़ून और इंदु दी साथ में खुश रहेंगे। हाँ तेरी बात मैं मानती हूँ, पर आपस में रितेश जी और इंदु लड़ना थोड़ा कम कर दे। भले ही वो कितना भी लड़ते हो भाभी, लेकिन रितेश जीजू इंदु दी और ज़ून की बहुत केयर करते हैं। आपने आज मंडप में देखा नहीं वो कैसे इंदु दी के जख्म साफ कर रहे थे? हाँ अंजू बिल्कुल सही बोल रही है। बस अब इंदु और ज़ून की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए।